नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गेट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी कि आखिर गेट क्या है, गेट एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, गेट एग्जाम के लिए शैक्षणिक योग्यता, गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, साथ ही जानेंगे गेट एग्जाम का परीक्षा पैटर्न क्या होता है। आगे इस वीडियो में आपको गेट एग्जाम से जुड़े और भी अन्य जानकारियां देखने को मिलेगी, तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गेट एग्जाम के बारे में जानने से पहले गेट का पूरा नाम जान लीजिए, यानी कि गेट का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, गेट का फुल फॉर्म ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है, जिसे हिंदी में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। गेट की परीक्षा इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने के लिए होती है। यह परीक्षा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय समन्वय बोर्ड, उच्च शिक्षा विभाग, देश की 7 IIT और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के द्वारा उन विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या वह विद्यार्थी भारत के प्रीमियम संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए योग्यता रखते हैं या नहीं। अब अगला है गेट एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप गेट एग्जाम की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको उसमें मांगी गई योग्यताओं को पूरा करना होगा। अब ये मांगी गई योग्यताएं कौन कौन सी होती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, बैचलर आर्किटेक्चर में 5 साल की स्नातक डिग्री। दूसरा, बीई, बीटेक, बी फार्मा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री और अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, बीएससी पोस्ट डिप्लोमा के बाद 4 विषय की डिग्री। चौथा, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सांख्यिकी के मास्टर में डिग्री प्राप्त धारक इन ब्रांच में फाइनल ईयर के विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से यदि आपके पास कोई योग्यता है, तो आप गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही गेट एग्जाम दिला भी सकते हैं। अब आइए जानते हैं गेट एग्जाम के लिए शैक्षणिक योग्यता के बाद इसमें आयु सीमा का निर्धारण। दोस्तों, गेट परीक्षा में आवेदन करने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं मानी जाती। गेट एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यह जानने के बाद आपके मन में गेट एग्जाम के फायदे जानने की उत्सुकता बढ़ी होगी। तो चलिए जानते हैं, गेट एग्जाम के फायदे भी हम आगे बताएंगे। इससे पहले जानते हैं गेट एग्जाम का परीक्षा पैटर्न आखिर होता क्या है। दोस्तों, गेट परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होती है। गेट में 23 पेपर होते हैं। आवेदक को किसी भी एक परीक्षा में बैठने की अनुमति होती है। परीक्षा में पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया होता है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और विशिष्ट विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा का समय 3 घंटा का होता है, जिसमें कुल 65 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक 100 अंकों का होता है तथा सभी प्रश्न बहुविकल्पी और न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, जिसमें एक गलत प्रश्न के लिए 1/2 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। इसमें प्रश्न पत्र 1, प्रश्नों की संख्या 50, अंक 100 और समय 1 घंटा रहता है। दूसरा, प्रश्न पत्र 2, प्रश्नों की संख्या 100, अंक 200 और समय 2 घंटा रहता है, यानी कि कुल इसमें 150 प्रश्न, अंक 300 और पूरा समय 3 घंटे का रहता है। अब दोस्तों, गेट एग्जाम के बारे में इतनी जानकारी होने के बाद आइए जानते हैं आखिर गेट एग्जाम लोग दिलाते क्यों हैं, गेट एग्जाम दिलाने के फायदे क्या क्या हैं और इसको पास करने के क्या क्या फायदे हैं। यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो आप इंडियन एप्टीट्यूड ऑफ साइंस बेंगलुरु और देश के 7 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में से एमटेक, एमई और पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। आप सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना करियर भी बना सकते हैं। इससे आपके लिए सरकारी नौकरी के भी रास्ते खुल जाते हैं। गेट में अच्छा स्कोर करने पर छात्रों को MHRD या अन्य सरकारी एजेंसी से वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है। अब ये सवाल आता है कि यदि गेट एग्जाम दिलाना है, तो आखिर तैयारी कैसे करें, तो चलिए वो भी जानते हैं। दोस्तों, गेट की तैयारी कैसे करें। गेट की परीक्षा में पास होने के लिए आपको गेट की तैयारी करनी होगी, यानी कि गेट एग्जाम का प्रिपरेशन। आइए कुछ ऐसे बिंदुओं को जानते हैं, जिसे जानने के बाद आप अपने गेट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आपको अपने एग्जाम की तैयारी में काफी मदद भी होगी। सबसे पहला, आप पिछले प्रश्नों के पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा का पैटर्न समझने में आसानी होगी। साथ ही परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका भी अनुमान लग जाएगा। दूसरा, परीक्षा के लिए रेफरेंस बुक भी काफी अच्छी होती है, इसमें आपको पूरा सिलेबस, सैंपल पेपर भी मिल जाता है। तीसरा, आप सभी विषयों की एक लिस्ट बना लीजिए और जिस विषय में आप कमजोर हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 4, इसके साथ ही आप कोर्स मटेरियल, ऑनलाइन वीडियो या कोचिंग का भी मदद ले सकते हैं। नंबर 5, आप अपना मॉक टेस्ट भी इससे ले सकते हैं। आपको इससे पता चलता है कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पा रहे हैं और आपसे कहां पे गलतियां हो रही हैं। गलतियां जानने के बाद आप इसको सुधार सकते हैं। अब अगला है नंबर 6 और सबसे लास्ट, पढ़ाई करने के लिए आप सही टाइम टेबल जरूर बनाएं। टाइम टेबल दोस्तों, एग्जाम की तैयारी करने के लिए काफी बेहतर चीज होता है। यदि आप अपना टाइम सही से मैनेज कर लिए और इसके अनुसार यदि आपने पढ़ाई कर लिया, तो आप निर्धारित समय में अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं।
तो इन बातों को जानकर और इन तरीकों को अपनाकर आप अपने गेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो। यदि यह वीडियो उपयोगी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।